एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल। सो जैसा कि टाइटल से आपको पता होगा कि मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अमेज़न एंड पर्पल ज्वेलरी हॉल। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरीज हैं और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर या पेड या फिर अमेज़न ने मुझे भेजी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी ज्वेलरीज मैंने खुद से खरीदी हैं और ऐसा नहीं कि बिल्कुल कल ही खरीदी है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनको करीबन एक साल हो गया है। इसमें से काफ़ी सारी ज्वेलरीज हैं जो मैंने एक साल पहले ली हुई हैं और कुछ मैंने दो तीन महीने पहले ली हैं, कुछ मैंने अभी ली हैं, लाइक विद इन अ वीक इस तरीके का कुछ है। तो मैंने सोचा कि यार काफ़ी सारी ज्वेलरीज इकट्ठा हो गई हैं और आप लोग मेरी हर वीडियो में पूछते भी हो कि सायमा आपकी ये ज्वेलरी कहाँ की है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ज्वेलरीज मैं पहनती हूँ वो मैंने अमेजोन से ली हैं। पर्पल की ज्वेलरीज जो हैं वो इक्का दुक्का हैं, ज़्यादा नहीं है और उनको मैंने भी शायद पहना भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल नई है। तो या और ज्वेलरीज मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मैंने इसमें से कुछ ज्वेलरीज ऐसी भी हैं जो ब्राइडल के लिए हैं क्योंकि मैं ब्राइडल मेकअप लुक करती हूँ तो मुझे उसके लिए चाहिए होती है और मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी से रेंट पे लूँ या कुछ टाइम के लिए लूँ। मुझे ज्वेलरीज बहुत पसंद है, मैं ज्वेलरी लवर हूँ तो मेरी खुद की होनी चाहिए और या जो भी है वो मेरी खुद की ज्वेलरी होनी चाहिए तो मैं उसको हमेशा स्टोर करके रख सकती हूँ। और या अगर आपको ये ज्वेलरी हॉल पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल हो कि अगर आपको भी ज्वेलरीज पसंद है तो आप ले सकते हो, पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 10,000 लाइक्स कर दीजिएगा। यार मैं भी थोड़ा टारगेट सेट कर देती हूँ कि 10,000 लाइक्स मेरी इस वीडियो को कर दीजिएगा एंड 30,000 शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। सो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पर्पल की ज्वेलरी क्योंकि वो कुछ ही ज्वेलरीज हैं, ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं पर्पल की ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो और बेसिकली मैंने इनको लिया है कुछ इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने के लिए। तो ये है सबसे पहला एक ज्वेलरी सेट, एक नेकलेस सेट है, ये एक साउथ इंडियन लुक देता है, कॉइन के साथ है, ग्रीन इसमें स्टोन है और इसका प्राइस अराउंड 500 समथिंग। ये सुखी ब्रांड की तरफ से है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सुखी ब्रांड की तरफ से है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो आई थॉट कि मैं एक इंस्पायर्ड लुक करूँगी या फिर अगर साउथ इंडियन ब्राइड लुक करती हूँ या फिर इस तरीके से तो मैं ये ज्वेलरी ले सकती हूँ, उसमें कैरी कर सकती हूँ। इवन आई थिंक ये काफ़ी डिसेंट लुक देगा अगर आप वैसे भी ज्वेलरी पहनते हो कहीं बाहर, यू नो किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए, साड़ी के साथ प्लेटेड साड़ीज़ जो होती हैं उनके साथ। तो या बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, बहुत नीट एंड क्लीन टाइडी लुक देगी आपको। तो फर्स्ट ज्वेलरी पीस जो मैंने लिया है ये है, सेकंड वहाँ से एक नेकलेस है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस गाइस, लुक एट दैट। ये चोकर है और इसमें यहाँ पे पर्ल का काम है एंड देन कुंदन का वर्क है और ये काफ़ी अच्छे नेक को आ जाएगी, लेकिन मेरे को तो फिट हो रही है और मेरे से थोड़ा सा और हैवी नेक होगा तो उसको भी फिट हो जाएगी, हो जाना तो चाहिए। सो इसके साथ जो झुमके हैं वो काफ़ी प्यारे झुमके हैं क्योंकि यूजुअली अगर नेक पीस आपका हैवी है तो आपको झुमके अच्छे नहीं मिलते हैं और इसका भी प्राइस अराउंड ऐसे ही समथिंग कुछ है। सो लुक एट दैट, इसके झुमके कितने प्यारे हैं। सो ये इसके झुमके हैं एंड आई हैव टीका ऑल्सो, तो इसका टीका बहुत डिसेंट सा है, छोटू सा है, जिसको छोटे टीके पसंद हैं वो इस तरीके का टीका अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट एक यू नो ब्राइडल ज्वेलरी है, मतलब पूरा ब्राइडल सेट नहीं है, इट्स अ ब्राइडल ज्वेलरी। नेक्स्ट मैंने ये ली है, नेक्स्ट एंड जो लास्ट यू नो नेक पीस है वो मेरा बहुत फेवरेट है गाइस एंड इसमें ब्रांड लिखा है सुखी, या अगेन ये सुखी की तरफ से है तो मुझे इसकी इयररिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं बट इसका नेकलेस OMG लुक एट दैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इसके स्टोन इतने अच्छे लगे हैं, एडी रिवर्स स्टोन जिनको कहते हैं वो वाले स्टोन इसमें लगे हैं साइड में, इसमें पिंक स्टोन है एंड देन ग्रीन स्टोन है। इट्स अ चोकर, इट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस गाइज। सो और इसके नीचे इस तरीके से हैंग हो रखे हैं अदर्स, तो इसके साथ जो इयररिंग्स हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि काफ़ी कम मैच हो रहे हैं, मतलब ऊपर के स्टोन तो मैच हो रहे हैं, नीचे की झुमकी बहुत ही लोकल सी लग रही है ये वाली झुमकी। तो इसको अगर मैं यहाँ से यू नो डीअटैच कर दूँ तो ये स्टर्ट काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे सिर्फ इस पर। वैसे मैंने इयररिंग्स पहने नहीं है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। सो ये नेक्स्ट मैंने लिया है, बस इसका नेकलेस बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप नेकलेस ट्राई करना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ नेकलेस तो गिव अ ट्राई, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये कुछ इस तरीके के यू नो पैकिंग में मुझे रिसीव हुए थे एंड देन ऐसा बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था सुखी ऑनलाइन फैशन पर। तो मैंने तीन नेकलेसेस लिए हैं। नेक्स्ट वहाँ से मैंने एक इयररिंग पसंद किया था जो कि काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है, लुक एट दैट। तो ये है ब्रांड कॉल्ड योर फैशन इज़ पैशन,
गोल्डन पीकॉक. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसके इयररिंग्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यू नो डिफरेंट पीस लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर के. और ये मैंने ऑर्डर किया था एक महीने के आसपास पहले, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर के इयररिंग्स चाहिए थे जो मेरे आउटफिट के साथ जाएं. मैंने माथा पट्टी पहननी थी एक शादी में, जो कि आपने मेरे गोल्डन लहंगा देखा होगा उसके लिए, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो स्टर्ट हो, स्टर्ट टाइप में, तो मैंने इसलिए इसे लिया था वहाँ से. और बट ये बिल्कुल चला नहीं, तो मैंने इसे पहना नहीं. नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ आप शेयर करूँगी जो कि मेरी सारी की सारी नो एक और ज्वेलरी पीस जो मैंने ली है, वो था एक एंकलेट जो कि बहुत ही सुंदर कुंदन एंकलेट, एंकलेट इन द सेंस पायल है पूरा, ये स्पेयर है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये बहुत ही सुंदर पायल है गाइस. इसमें ग्रीन रेड एंड गोल्ड कलर की बीट्स के साथ साथ कुंदन की यू नो छोटी 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 डिज़ाइन दी हुई है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये काफ़ी सुंदर एंकलेट है, ये पूरा पेयर है. तो ये भी अगेन मैंने लिया है purple.com से. तो purple.com पे आपको बहुत सुंदर ज्वेलरीज भी मिल जाती हैं अगर आप ट्राई करते हो. लाइक मोस्टली मेरी सारी फिरोज की ज्वेलरीज पर्पल की है, एंड फिरोज इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड जो कि बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरीज देता है, इयररिंग्स देता है, बट एक्सपेंसिव होती है इसकी. ऑलराइट, नेक्स्ट मैं अब आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे सारे अमेजोन ज्वेलरी हॉल. सो फर्स्ट आई हैव दिस नेकलेस जो कि एक कुंदन का नेकलेस है. यू गाइस कैन सी इसकी क्वालिटी अमेजिंग है. मैंने 650 रुपीस के लिया था, इसमें आपको आप 400 रुपीस में ज्वेलरी पीसेस मिल जाएंगे. मैंने एक साल पहले लिया था क्योंकि मुझे उस टाइम चाहिए था, और ये बहुत ही खूबसूरत है. 3 लेयर का कुंदन का सेट है. अभी तक कहीं से भी इसका कोई हुक अटैचमेंट नहीं निकला है. यू गाइस कैन सी बहुत ही रॉयल लुकिंग ये आपको देता है. इसके इयररिंग्स भी बहुत ही अमेजिंग है, जो मैंने काफ़ी सारे यानी कॉरलिस्टा अंकिता श्रीवास्तव इंस्पायर्ड लुक में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है. ब्राइडल ज्वेलरी मैंने बहुत शेयर किया है. बस इसके जो पीछे की जगह है थोड़ा थोड़ा ये ब्लैक पड़ गया है, बट वो बैक साइड है तो आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करता है. पॉलिश उतर गई है ना, ब्लैक हुआ है, पॉलिश उतर गई है. मैंने बहुत बार इसे पहना है, एक साल पहले लिया था 650 रुपीज़, और 500 रुपीज़ में मिल जाता है. बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ज्वेलरी ले रहे हो तो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ लो, उससे आपको पता चलता है कि ज्वेलरी जो है वो किस तरीके की आएगी. कुछ लोग रेफरेंस के लिए इमेजेस भी दे देते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है. नेक्स्ट मैंने लिया है एक माथा पट्टी जो मैंने अपनी ब्राइडल ज्वेलरी के लिए लिया था, क्योंकि यार मैं हर बार तो किसी से नहीं बोल सकती कि मुझे माथा पट्टी चाहिए, या फिर मैं किसी से बोरो करूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये ली है. और ये मैंने अभी अपने एक मेकअप लुक में भी वेयर की है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. लुक एट दैट, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. देख रहे हो इसमें इधर पूरे में वाइट एंड ग्रीन कलर के छोटे छोटे पर्ल का काम है, मोतियों का, एंड ये पूरा कुंदन का स्टोन है. ये मेरे उस नेकलेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है. और ये पूरा माथा पट्टी है, बहुत खूबसूरत है. पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 750 रुपीज़ का मैंने लिया था, पर ये वर्थ बाइंग है. अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये मैंने अराउंड 6 मंथ हो गया मुझे, क्योंकि मैंने ब्राइडल ज्वेलरी के लिए लिया था, और मैंने वो ब्राइडल मेकअप शेयर भी कर दिया है. नेक्स्ट आई हैव दिस नेकलेस जो कि मैंने अगेन एक साल पहले लिया था, और ये भी मैंने ये जस्ट मैंने 350 रुपीज़ का लिया था, और ये अगेन कुंदन का है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है. 350 रुपीज़ में आपको बहुत अमेजिंग ज्वेलरी मिल जा रही है, तो और क्या चाहिए. इसके साथ इयररिंग्स भी बहुत ही अच्छे हैं, सो आप देख सकते हो. और ये है ब्रांड पर्ल्स, जावेरी पर्ल्स, तो मोस्टली मेरे जावेरी पर्ल्स की तरफ से हैं. तो ये वाला भी आई थिंक जावेरी पर्ल्स का था, ये वाला जावेरी पर्ल्स का है. पर मैं ट्राई करूँगी जिनके लिंक्स मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर आईडीज़ में मेरे पड़े होंगे, तो मैं लिंक्स मेंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर लेंगे. नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने रीसेंट में बाय की है ज्वेलरी, वो तो ये भी अगेन जावेरी पर्ल्स का, आप देख सकते हो. और ये जस्ट 450 और 500 रुपीज़ का नेकलेस है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नेकलेस गाइज. ये पैक्ड है, मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है, बट मुझे इसके इयररिंग्स अच्छे लग रहे थे. दिस इज़ हार्ड लुक्स. तो ये बहुत छोटे से इयररिंग्स के साथ आता है, इधर यू नो ग्रीन कलर के पर्ल का काम है, अंदर ये जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है. और आप ग्रीन एंड रेड बहुत ही अच्छा कलर है आजकल ब्राइडल के लिए, तो आप ऐसे अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपको हैवी ज्वेलरीज पहननी है, फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. और 500 रुपीज़ समथिंग कुछ है. प्राइजेस तो इनके बहुत हाई फाई लिखे होंगे, 1500 रुपीज़, 1600 रुपीज़, बट जावेरी पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो. नेक्स्ट वहाँ से मैंने अभी ऑर्डर किया है एक और नेकलेस, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस भी कर दिया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मेरे ज्वेलरीज कहाँ रखी होती हैं, कहाँ नहीं. तो ये है एक नेकलेस. लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट.
इसके दो स्टोन निकल गए हैं, एक तो ये रहा जो मैंने इस पर रखा हुआ है, तो मुझे ये निकला ही हुआ मिला था, तो मैं इस बात से थोड़ी डिसअपॉइंट हुई थी और मैंने कहा बट कोई नहीं मैं फिक्स कर लूँगी। एंड देन इसके जो इयररिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, यू गाइस कैन सी, बहुत ही खूबसूरत हैं, छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं ये, डार्क नेवी ब्लू एंड रॉयल ब्लू कलर में है। एंड इसका नेकलेस भी बहुत प्यारा है छोटा सा, तो बहुत ही डेंटी पीस है, एवरीडे के लिए काफ़ी अच्छा है। सो इसके दोनों स्टोन हैं मेरे पास जो मैं फिक्स कर लूँगी। ऑल राइट, तो नेक्स्ट मैंने ये वहाँ से लिया था, ये भी अराउंड मुझे 400 और 500 रुपीज़ का मिल गया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस। OMG दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नेकलेस, लुक एट दैट। ये एक चोकर है जिसमें काफ़ी सारे यू नो टेसल जैसे कुंदन का वर्क है और ये बहुत खूबसूरत चोकर है। मेरी कज़न सिस्टर ने इसको भी वेयर किया था एक इवेंट में, बहुत सुंदर है। तो या ये भी अराउंड 550 और 600 रुपीज़ का है। मैंने एक साथ ये जो ज्वेलरीज मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, दो या तीन, ये मैंने एक साथ 4000 रुपीज़ की ज्वेलरीज अमेजोन से ऑर्डर की थी। लुक एट दैट, ये इसके इयररिंग्स हैं एंड ये इसके इयरिंग्स हैं। तो बहुत ही अच्छा ज्वेलरी पीस है एंड यू नो ऐसे स्क्वायर में मुझे अच्छा लगा ये वाला ज्वेलरी पीस, तो नेक्स्ट मैंने ये वहाँ से ऑर्डर किया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अराउंड 6 महीने पहले और 8 महीने पहले लिया था। ये मैंने लिया था आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप के लिए, बट आज तक मैंने वो इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया नहीं है। सो ये सबसे पहले है रानी हार, इस वर्क को क्या कहते हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे इस टाइम पर याद नहीं आ रहा पर मैंने उस टाइम पढ़ा था तो मुझे पता है। सो ये साउथ इंडियन लुक के लिए बहुत ही अच्छा है, ये परफेक्ट नेकलेस है। इवन अगर आप व्हाइट सूट या कोई ऐसी साड़ी पहन रहे हो, कांचीपुरम साड़ी कहते हैं व्हाइट एंड व्हाइट गोल्ड बॉर्डर का जो होता है, ऐसी साड़ी पहन रहे हो तो आप ऐसा नेकलेस डाल सकते हो। तो ये मैंने अलग अलग ऑर्डर किए थे, लाइक ये वाला रानी हार अलग ऑर्डर किया था एंड देन ये नेकलेस अलग ऑर्डर किया था, पर बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, 500-400 के अंदर में था। ये इसका नेकलेस है एंड इसके साथ जो इयररिंग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं ये नेकलेस। मी शो यू, कुछ इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से इसके इयररिंग्स हैं। तो ये पूरा इयररिंग का सेट था जो मैंने ऑर्डर किया था, नेकलेस एंड इयररिंग्स, तो बहुत क्यूट हैं, छोटे छोटे से हैं। एंड देन उसके बाद मैंने इसका एक टीका ऑर्डर किया था, तो टीका इज़ माई फेवरेट, बहुत खूबसूरत टीका है, बहुत सुंदर टीका है ये। तो ये टीका मैंने अलग से ऑर्डर किया था, तो ये तीन चीज़ों का मैंने कंप्लीट सेट बनाया था ब्राइडल सेट, कि मैं कोई इंस्पायर्ड लुक करूँगी तो मैं शेयर करूँगी। तो बट मेरी ज्वेलरी है तो मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे किसी को वापस करनी है। और लाइक नेक्स्ट मैंने वहाँ से एक इयररिंग्स ऑर्डर किए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक इवेंट एक शादी के लिए एक ग्रीन कलर के इयररिंग्स चाहिए थे जाके वो मेरी माथा पट्टी से मैच हो जाए। सो मेरे को लगा था कि ये वाले मैच हो जाएंगे, बट जब ये रिसीव हुए तो ये इतने बड़े थे, यू कैन सी, और इनका जो काम था वो बिल्कुल भी मेरी इस माथा पट्टी से मैच नहीं कर रहा था, इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बट मैंने मंगवा लिए थे तो ये मुझे पड़े थे 450 रुपीज़ के, थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे मुझे भी, बट मुझे शादी के लिए चाहिए थे तो इसलिए मैंने मंगवाए थे। बट अदरवाइज़ वैसे मैं कहीं से पहन के जाना चाहूँ तो ये बहुत ही अच्छा लुक देंगे, काफ़ी हैवी हैं और ये स्टर्ट हैं, सबसे अच्छी बात कि ये स्टर्ट्स के साथ लाइक हैंगिंग या फिर इस तरीके के नहीं हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं देते, मुझे इस तरीके की इयररिंग्स पसंद हैं और ये काफ़ी सुंदर भी हैं। सो नेक्स्ट मैंने ये इयररिंग्स वहाँ से लिए थे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आई थिंक मेरे इस हॉल में आ गया है, बट ये अमेजोन का नहीं है, ये है कफ्स एंड लैशेस का इयररिंग्स एंड महाटीका के पूरा एक सेट है। वाओ, गिरा दिया हमने। तो ये कुछ इस तरीके का है, इसका इयररिंग्स बहुत सुंदर है एंड टीका भी बहुत सुंदर है, सिमिलर। तो ये आपको 550 रुपीज़ में तो मिल जाएगा कफ्स एंड लैशेस पे, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी डील है क्योंकि इस तरीके के आपको इयररिंग्स 450 रुपीज़ के ही अदर वेबसाइट पे मिलते हैं, बट आपको इतना अच्छा मांग टीका भी मिल रहा है, पूरा एक सेट मिल रहा है। तो नेक्स्ट ये मेरे इस हॉल में इंक्लूड हो गया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं ट्राई करूँगी इसका लिंक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और राइट, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी मंगाए हैं, और इसके अलावा भी मैंने यू नो अमेज़ॉन पे 2 से 3 या फिर 8 या 9 ज्वेलरीज, इतने मैंने ज्वेलरीज अपनी विशलिस्ट में सेव करी है क्योंकि वो अराउंड 2000 से लेके 3000 रुपीज़ तक है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है वो ज्वेलरी। सो या तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ जो ज्वेलरी वो मेरी फेवरेट है, वो इसे मैं ओपन पहले कर लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ओके, सो ये एक ब्राइडल ज्वेलरी है गाइस,
कुछ इस तरीके से रिसीव हुई थी। टचवुड की ये इतनी ब्रेक नहीं हुई या टूटी हुई रिसीव नहीं हुई, क्योंकि इसके जो स्टोन हैं वो बहुत जल्दी टूटने वालों में से हैं। एंड लुक एट द नेकलेस, वाओ, कैन यू सी, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये मुझे 1950 रुपीज़ की मिली है, लाइक अराउंड 2000 रुपीज़ की ये ज्वेलरी है। मुझे नहीं पता इसके प्राइजेस में चेंजेस आएंगे कि नहीं, पर अप एंड डाउन तो पक्का होगा। पर इसमें इतने सारे स्टोन हैं कि अगर एक दो स्टोन इधर उधर गिर भी गए तो आपको पता नहीं चलेगा। और मतलब स्टोन स्टिक किए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम अंदर से हैं, स्टिक किए हुए हैं, तो वो थोड़ी चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी है। बट अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हो, अच्छे से इसे संभाल के रैप करके रखते हो, तो आपकी ये ज्वेलरी ख़राब नहीं होने वाली, काफ़ी टाइम तक रहेगी, ब्लैक भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे को हो गया अराउंड 2 वीक्स तो हो गए ये आए हुए, और कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है। मैंने बस वैसे ही रखा जैसे मुझे आई थी ये। और इसके काफ़ी सारे स्टोन इसके बॉक्सेस में गिरे हैं जो मुझे अगेन पेस्ट करने होंगे, पर कोई ऐसे नोटिस नहीं कर सकता। सो ये नेकलेस है, मैंने ब्राइडल के लिए लिया था। एंड ये इसका टीका है, बहुत ही ब्लिंगी है ये, बहुत खूबसूरत टीका है इसका। और राइट, नेक्स्ट इसके साथ है ये पेयर ऑफ इयर रिंग्स जो कि बहुत सुंदर हैं। अगेन लुक एट दैट, ये इसके इयर रिंग्स हैं, ये अपने में ही इतने खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ यार। इयर रिंग्स भी इतने सुंदर हैं इसके, बहुत खूबसूरत इयर रिंग्स हैं। तो ये मैंने लिया है वहाँ से 1950 रुपीज़ का, अराउंड 2000 रुपीज़ का ये ब्राइडल सेट मैंने अभी रिसेंट में ऑर्डर प्लेस किया था। ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा अमेजोन एंड पर्पल ज्वेलरी हॉल। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सबसे ज़्यादा फेवरेट ज्वेलरी पीस आपको कौन सा लगा। आई एम श्योर कि आपको ये वाला ब्राइडल सेट सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये भी मुझे बहुत, मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पर वैसे सारी ज्वेलरीज मेरी हैं और सारी ही मुझे बहुत पसंद है। सो आप बता सकते हैं आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप कोई इंटरेस्टेड हैं आप इनमें से कोई भी ज्वेलरी लेने के लिए, तो मेक श्योर आपको उसके लिए चेक करना होगा मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं ट्राई करूँगी सारे लिंक्स मुझे मिल जाएं, कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं ज्वेलरीज, बट ट्राई करूँगी सारे लिंक्स नीचे मेंशन कर दूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे, जिसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, तो चेक कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी देयर। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।